मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर और यहाँ अंदर आप जो तमाम महिलाएं देख रहे हैं, ये सभी वो महिलाएं हैं जिनका आशियाना छीन लिया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर आज ये प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी दफ्तर के सामने, जिनके ऊपर ये पानी की बौछारें, गंदा पानी छोड़ा गया और ठंड, भरी ठंड में आप सोचिए कि जनवरी की भरी ठंड में इनके ऊपर पानी डाला गया। आखिर इनका गुनाह क्या था, ये अपने आशियाने की मांग करने के लिए यहाँ पर तमाम लोगों से बात करने आई थी, लेकिन इनसे बात तो करना दूर, लेकिन इनके साथ क्या कुछ हुआ भी वही पूछते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सपना, मैं तुगलकाबाद गाँव मैं रहती हूँ। वहाँ पर हम लोगों ने पैसे से जमीन लिया, लेकिन अभी हम लोगों को वहाँ से नोटिस दे दिया जो तुम 15 दिन के अंदर घर खाली करना है। लेकिन हम जब पैसे से लिया तो हमको खाली क्यों करना है? हम तो गरीब है, हमारे पास ना राशन है ना कुछ है, एक तो महामारी के पीछे हमारे पास काम भी नहीं है, फिर भी हम लोगों का बाल बच्चे है, पति बीमार है। हम केजरीवाल जी से इतना चाहते हैं जो कम से कम हमको कुछ तो, हम हमारे लिए कुछ तो करे। हमारे जैसे हजारों लोग हैं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि नोटिस लगाई हुई है, लेकिन हमारे लिए कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजा है। सर आप कह रहे हैं कि मतलब उसका रजिस्ट्री है, अगर रजिस्ट्री जमीन लेने का अगर इंसान को इतना ही हैसियत होता, इतना ही औकात होता, तो सरकारी जमीन में हम क्यों रहते? आज ये लड़ाई के लिए आए हैं, किस लिए लड़ते हैं बताओ? नेता लोग को जब इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन के टाइम होता है तो ये कहता है कि जहाँ झुग्गी जहाँ घर वही मकान, ठीक है ना? जब इलेक्शन जीत जाता है तो कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पब्लिक नहीं, ठीक है? जब तो हाथ पैर जोड़ते, सब तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जीता, हम सब चीज़ देंगे। अभी जब हम वहाँ से यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, किस वजह से हो रही है? आखिर हमसे कोई परेशानी, कोई बात किसने सुना? हम लोग पे देखो पानी की बरसातें करी गई है, पुलिस वाले भी मारपीट कर रहे हैं, सब लेडीज़ों के साथ उठपटांगें किए जा रही है, बसों में भर के ले जा रहे हैं, ना हमारे कोई किसी ने कुछ नहीं सुना बात, ना हाँ ना ना कुछ नहीं। अब बताओ हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ और कहाँ जाएं बताओ? कहाँ से आए आप? हम लोग तो कलकाबाद गांव से आए हैं, बंगाली कॉलोनी से। देखो वहाँ पर जो आपको मकान छीना जा रहा है, उसके पहले आपको कहीं और मकान दिया जा रहा है? कहीं नहीं दिया जा रहा है, सब सिर्फ छीन लिया जा रहा है। और वहाँ पे पुलिस वाले लगाए, फोर्स लगाए गए हैं, वहाँ पे भी गली से बाहर निकलने नहीं दे रहा है किसी को। जंगल से हम लोग दुपक के निकल के आए हैं और ऊपर से सबको मार रहा है, लेडीजों को भी मार रहा है पुलिस वाले। क्या नाम है? पहली नंबर बात तो यह है कि हमें से 15 दिन का टाइम दिया गया है, सिर्फ 15 दिन का, वो भी 15 दिन में 5 दिन निकल चुके हैं, अब रह गए 10 दिन। 10 दिन में ना किसी को कुछ भी सुविधा नहीं मिले, कहने का मतलब है सरकारी जमीन में हम लोगों ने बनाया तो हमने भी तो किसी से खरीदा, किसी ने बेचा तो हमने खरीदा, जब क्या सरकार सो रही थी। कितने टाइम से आप रह रहे हैं? हमें हो गया 12 साल हो गया, हमें 12 साल हो गया, 12 साल हो गया बाद, मतलब अब सरकार की आंखें, सरकार की आंखें खुली रह गया। आर्कियोलॉजी वाले के उसमें है वो जमीन, आर्कियोलॉजी वाले क्या सो रहे थे जब हमने बनाया, तो आर्कियोलॉजी वाले हर पर गज पे 1,000 रुपया लेके गए, ठीक है? जो वहाँ के चौकीदार थे आर्कियोलॉजी किले के संरक्षण के, जो भी चौकीदार थे, हम लोगों से पर गज पे 1,000 रुपया, 40 गज पे 40,000 रुपया। उसके बाद हमने एक ईंट टीन टप्पर पहले डाल के रहते थे, उतनी गुंजाइश नहीं थी क्योंकि सब हमने पैसा खरीद के लगा दिया उसमें, हमने टीन टप्पर डाले, बाद में उसमें एक ईंट लगाया, पुलिस वाले आ जाते थे, लाओ जी 1 गज के 2,000 रुपये दो। 40 गज के हमने 80,000 रुपये दिए, मैं वहाँ पे 80,000 रुपये दिए, फिर सुबह आते थे और फिर क्या नाम है, जिप्सी वाले आ जाते थे, बीट वाले आ जाते थे, उनको 1,000-2,000 रुपये दिया जाता था। जब सरकार क्या कर रही थी, जब क्या सरकार सो रही थी, कहाँ थी सरकार? प्रशासन की देखा देखी में सब कुछ हुआ, सब कुछ प्रशासन को पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तू कहीं पे भी आज एक गाड़ी चोर, वही चौकी है, चौकी के पीछे मकान बन रहा है, क्या सरकार को पता, पुलिस वालों को पता नहीं चल रही है? सरकार ने पुलिस बैठाई क्यों है, क्यों बनाया पुलिस, क्यों वहाँ बैठाया पुलिस, क्यों चौकी बनाई, किस लिए बनाया? आपके पास पूरा जो है पत्र वगैरह, कागज पत्र है सारे? कागज पत्र ये जब सरकारी जमीन है, बिजली का बिल बन रहा था तो मतलब प्रशासन पैसा लेता था, बिजली बिल है सबके, बिजली बिल है, हम लोगों ने अपने आप से पावर सब बोल दिया, अपने आप से हम लोगों ने पावर टोनिक हमने बनवाया है, ठीक है? देने के टाइम दे दिया,
जब हमें नहीं पता था, अब तोड़ने आ रहे हैं। और क्या नाम है, इसमें कोई वो नहीं, पूरी हमारी तुगलकाबाद पूरी छावनी के तरह तब्दील कर दिया गया, पूरे में फोर्स बैठा दिया गया, दिल्ली पुलिस भी है, फोर्स भी है। क्यों भाई, वहाँ तो लोग ही रहते हैं ना, कोई आतंकवादी थोड़ी रह रहा है जो छावनी बना रहे हैं। तो है तो गरीब तो आतंकवादी घोषित हो ही रहे हैं, देख नहीं रहे, अभी पानी का बौछार हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है यहाँ पे हमारे शरीर को। देखो दीदी, फोर्स क्यों बिठा दी गई है, देखिए हाल, ये तुगलकाबाद की हालत देखिए क्या हो रहा है, ये लेडीजों के साथ देखिए कि क्या हो रहा है, देखिए कैसे बेरहमियों का जैसा मारा जा रहा, और यहाँ भी मारा गया और पानी के बरसाव भी किया गया। नाम है आपका? देखिए हमारा नाम बेबी है और हम तुगलकाबाद गांव से आए हैं, और हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। अच्छा, जब ये तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि आपको कोई मकान भी दिया जाएगा या कुछ बोल रहे? नहीं नहीं, कहीं नहीं दिया जा रहा है। सीधा क्या बोला जा रहा है? नहीं कह रहे, बोलो कि खाली करो, कहीं भी जाओ और अपना मकान खुद तोड़ो, या तो उसका जुर्माना भरो, अगर हम तोड़ का मलबा हटाएंगे तो उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं, अपना मकान खुद, एक बात बताइए, हमने अपने खुद ही बोल रहे जी, हमने अपना घर बनाए, मकान बनाए, और हम उसे तोड़े, कैसे तोड़ सकते हैं हम अपना मकान? हमने क्या पैसा नहीं लगाए? हम भी तो पैसा लगाए उसमें, हमने भी दस लाख तक पैसा लगाया है उसमें। नोटिस मिला हुआ है, ये नोटिस लगा हुआ है, ये सूचना आपको, ये नोटिस कब मिला? ये 15 दिन के मतलब 12 तारीख को लगाया है, 11 तारीख को जारी किया गया, 12 तारीख को हम लोगों को मिला है नोटिस। अब एक बात बताइए, हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम जब वोट देते हैं तब नेता हमारे घर पे आते हैं, अभी नेताजी कहाँ चले गए हैं? अभी हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं? अभी हम पानी में भीग करके कपड़े सुखा रहे हैं, कहाँ गए हैं अभी हमारे नेता? ये क्या है, ये क्या है, ये बिल है, बिल है, अगर ये अगर सरकारी जगह है मैडम, तो ये बिल के मीटर कैसे लगी? पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे थे पैसा? किले वाले क्यों पैसे लेके जा रहे थे? क्या उस टाइम पता नहीं था कि भाई सरकारी जमीन है, हम मीटर क्यों लगाएं, हम बिल क्यों ले रहे हैं? बनाने से पहले तो उसी टाइम उजारना चाहिए ना, पूरी पब्लिक तो एक ही बार में एक ही सभी के पास बिल है, सबके पास बिल है, और अगर बिल सबके पास है, छापा मारे ये लोग ने जा कर, एक बार नहीं, एक मकान पर 3-3 बार छापा लगाई ये लोग ने, और सबके 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे ऐसे अपने मर्जी के बिल लिए, उसका सारे रिकॉर्ड हमारे गली में, सबके पास रिकॉर्ड है। ये छापा मारा जी, हाँ जी, छापा मारने के बाद कुंडा कनेक्शन हुआ, सबने 50,000 1-1 लाख ऐसे ऐसे पैसे भरे। किस बात के लिए मारा? ये कुंडा हमारा ना मीटर लग रहा है, मीटर नहीं है तो हम लोग लाइट ले रखे थे, और वो भी वहाँ के जो है डीलर, वो लोग चोरी के लाइट दिए थे। चोरी कौन लोग आए? पुलिस लोग जी? नहीं, पुलिस पुलिस लेडीज पुलिस थी, जेंट्स पुलिस थे, और उसमें बिजली वाले। पहले आपको नोटिस दिया था छापा मार? जी जी जी, कोई नोटिस नहीं है। कोई बड़ा ऑफिसर आया था साथ? कोई ऑफिसर नहीं था। ये छोटे मोटे आपके घर में छापा मारने आ जा रहे? छापा मार के 40,000, 50,000, 80,000 एक घर में 2-2 बार छापा मारे, जब तक कुंडा कनेक्शन नहीं लेगा जब तक छापा लगता रहेगा, ऐसे कर रहे हैं ये लोग। का बिल भी है, सब कुछ है वहाँ पे, वहाँ का वोटर आईडी कार्ड। अच्छा, एक दीदी एक बात बताइए, ये जमीन जो मतलब अभी सरकार खाली कराया दिया जा रहा है, अब सबको हटा दिया जा रहा है, क्या सारे पब्लिक क्या राती रात हम लोग क्या बैठ गए थे जब पुलिस वाले को, जब सरकार को नहीं दिख रही थी? हाँ, या पुलिस मतलब पुलिस वाले लेके जा रहे थे, किला वाले पैसे लेके जा रहे थे, तब कहाँ थी? तब तो बोल सकते थे जब वोट ले रही थी। जब एमएलए कौन है आपके? सरकार को पता नहीं था कि वहाँ पे वोट ले रहे। रमेश भिदौरी, रमेश भिदौरी जी, रमेश, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सांसद वही रहते थे, वही रहते हैं, उनका भी घर वहीं पे है। अच्छा, जब आप ये तुगलकाबाद जहाँ झुग्गी में रहते थे, एमएलए वगैरह ये वोट वोट के टाइम पे आए? हाँ, वोट वोट के टाइम आए, सभी आए वोट के टाइम। तब तो उस टाइम नहीं बोला कि हमें वोट नहीं चाहिए, तुम लोग खाली करके चले जाओ, ये सरकारी जमीन है, जब ऐसे कुछ नहीं। एक बार ये जब वहाँ देखी तो रमेश भिदौरी के भाई नहीं है, बेच तो वही रहे, रमेश भिदौरी के भाई। बिल्कुल, जब उन लोगों ने बेची है तभी तो हम लोगों ने खरीदी है। मैम, अगर हमारी औकात होती तो हम भी अभी ये बेच दूं जमीन, कोई खरीदेगा ये जमीन को? ये ऑफिस अगर मैं बेचूंगी तो कोई खरीद लेगा इस ऑफिस को? नहीं बेचेगा, नहीं खरीद पाएगा ना। अगर कोई नेता का आदमी बेचेगा तभी तो खरीदेगा इस जमीन को। हमारे जैसे की है पावर बेचने की, खरीदने वाला कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया गुप्ता नाम है। प्रिया जी, आप भी वही रहते हो? जी हाँ, मैं वही रहती हूँ। अभी पानी से भिगाया गया, कपड़े सुखा रही हूँ, बोल रही हूँ यहाँ पे पानी की बौछारें छोड़ी गई आप लोगों पे। जी हाँ मैम, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थे ना मैम? तो आप देख सकते हैं, हम शांति पूर्वक, हम मार करने यहाँ पे नहीं आए हैं, हम अपना घर बचाने आए हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम हाथ जोड़ करके सरकार से विनती करते हैं कि हमें हमारा घर छोड़ दिया जाए। आप पार्टी से आप लोग यहाँ पर क्या मांगे रखने आए हैं? बस हमारा घर हमें दे दिया जाए, तोड़ फोड़ नहीं हो जाए, हम लड़ाई नहीं करने आए हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं करने आए हैं, हम प्यार से आए हैं। जब हम एक बात बताइए, जब वहाँ के नेता के पास गए तो उन्होंने बोला
हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसे तुमने वोट दिया है उसके पास जाओ। अब हम यहाँ पे आए हैं। वोट किसे दिया था? केजरीवाल जी को दिए थे, तो इसलिए यहाँ भेज दिया। तो यहाँ पे हम आए। अब एक बात बताइए, वहाँ से, एक मिनट मैम, अगर वहाँ से वो हमें भेज दिए कि जिसको वोट दिया है उसके पास तुम जाओ, हम जिसको वोट दिए हैं हम उसके पास आए हैं, तो इधर से क्या मिला? अब यहाँ पे कोई हमारे साथ में नहीं है। अब अगला नहीं, अब यहाँ पे तो मिला है, नहा लिए हैं मैम, हफ्ते भर से हम लोग नहा कर नहीं आए थे ना, इसी चलते उन्होंने नहाने का सुविधा लगवाया था हम लोगों को। हमने आपको ठंडे पानी से यहाँ? हाँ मैम, तो बीमार पड़ेंगे तो जल्दी मर जाएंगे ना, घर खाली करने में उन लोगों को आसानी हो जाएगा, जल्दी मर जाएंगे हम लोग, हमारा के बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पानी गंदा था, यही बात थी ना। अब एक बात बताइए, जब वहाँ से उन्होंने भेज दिया, ये देखिए कैसे मारा है, कैसे कीचड़ में सनाया उन्होंने, छोड़ा गया पूरा गंदा कीचड़ का पानी मैम, कीचड़ का सूख रहे हैं, देखिए मैंने सुखा करने के लिए रखा है। एक बात बताइए, जब वहाँ से हमें यहाँ भेज दिया गया है, तो जब हमने जिनको वोट दिया हम आएंगे तो उन्हीं के पास ना, ये यहाँ पे हमारे पास दिल्ली सरकार कहाँ गई है? आज हम सरकार को ही तो खोज रहे हैं, कहाँ गई हमारी सरकार? सो गई है हमारी सरकार, हम जग रहे हैं वो सो रहे हैं, क्यों नहीं खड़ा है आज हमारे साथ? किस लिए हम वोट दिए थे? बच्चे का पेपर आने वाला है, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बचाऊंगी बेटी और कहाँ से पढ़ाऊंगी? क्या हम लोग किसी की बेटी नहीं है? क्या कर रहा है, रोड पे खड़ा कर दिया है, क्या पता कौन आदमी इज्जत लूटेगा, कौन आदमी घसीट के ले जाएगा, कौन आदमी बेच देगा? अभी कहाँ गई बेटी, कहाँ गई आज की बेटियाँ? कहते हैं कि गरीब का सहारा हूँ, यही गरीब का सहारा है, क्या कर रहे हैं? अच्छा होता है कि लोग बेटियाँ पेट में ही मार दी जाती है, ऐसे भी तो मर ही रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम बेटी बचा करके, क्या करेंगे? बेइज्जती होने से तो अच्छा है ना मैम, क्या किया जाए? अब आप ही खुद बताओ। मैं चार बेटियों को लेके अकेले रहती हूँ, कहाँ जाऊंगी बेटियाँ लेके? वैसे मोदी इतना बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं चार बेटियाँ लेके कहाँ जाऊँ? मैं अकेले रहती हूँ घर पे, रोड कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा? अब बेटियों को छोड़ो ना, जब अभी पुलिस वाले मार रहे हैं पूरी पब्लिक के सामने, तब क्या बेटियों को छोड़ दिया जाएगा? पूजा किया जाएगा जब बेटियों को? जब बेटी नहीं रहेगी तो ये देश क्या कर लेगा, क्या कर लेगा देश में? वोट कौन देगा देश में? औलादे कहाँ से आएंगी जब बेटी ही नहीं रहेगा? तो हम लोगों को किया क्या जा रहा है? यही किया जा रहा है, यही बेटियों की इज्जत दिया जा रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए है। अभी कौन सरकार खड़ी है हमारे साथ में? अभी हम बोल रहे हैं, हो सके न्यूज चैनल पे आएगा, हमारे जान को खतरा भी हो सकता है, कोई उठा के ले जा सकता है, कोई मरवा सकता है, हमारे बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं। अब आप बताओ हमारी प्रोटेक्शन कौन देगा, हमारा सुरक्षा कौन करेगा, कौन है? आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग निकल जाइएगा, हाथ साफ कर लीजिएगा, फंस जाएंगे हम, क्योंकि बोलने वाले को तो अक्सर बोलती बंद कर दिया जाता है ना, बोलने वाले को दबा दिया जाता है, ठीक है ना? अब यही आज नेताजी बोलते ना तो 50 लोग मीडिया वाले छापते, हाँ नेताजी ने ऐसा, नेताजी जीना से गिर जाएंगे तो भी मीडिया वाले छापेंगे, नेताजी जीना से गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, हमारी मकान टूट रही है, तब नहीं है नेताजी को करोना नहीं भी होगा तो बोलेगा नेताजी को करोना हो गया, एडमिट है, ये है, हमारी तो मकान ही टूट रही है, हमें क्यों नहीं कोई बचाने आ रहा? अरे मास्क लगाने के लिए बोलते हैं सर, गरीब है ना इसलिए। अच्छा तो गरीब का नहीं है, गरीब नहीं है, गरीब का नहीं है तो ये क्लिनिक किस लिए खुलवा रखे हैं? फिर वोट मांगने क्यों जाते हैं? गरीब के पास वोट नहीं मांगना चाहिए? हॉस्पिटल फिर क्या बोलते हैं? माता जी बहनों जी वोट दे दो, भाई बहन पैर छूते हैं क्यों? गरीब का पैर क्यों धरते हैं? हॉस्पिटल क्यों बनाया यहाँ पे? नहीं ना धरना चाहिए गरीब के पैर, हम गरीब है ना, तो गरीब को पैर भी नहीं धरने आना चाहिए ना, है गरीबे से तो जीत रहे हो, कौन बनाया आज नेता? पैसा वाला कोई किसने नेता किसने बनाया है? हमने बनाया है, हम गरीब बनाए हैं तब आज कुर्सी पे बैठे हो, चाहे कोई नेता हो कोई सरकार हो, ठीक ना? अपने अपने, अगर आज पब्लिक अगर वोट देना बंद कर देता तो कौन नेता बनता, कौन कुर्सी पे बैठता? आज जो हम लोगों के सामने आने में शर्म लग रही है, हम लोग अगर भूखे मर रहे हैं तो उनको संघ में संघ खड़े होने में शर्म लग रही है, शर्म लग रही है? जब जब उन्होंने तो बोल दिया जिसको दी हो वोट उसके पास जाओ, तो भाई दिया हूँ तो मैं आज हाथ जोड़ लिया, जाओ कोई नहीं बचाएगा, यहाँ वोट की राजनीति हो रही है, उन्होंने कहा जिसको वोट दिया उधर जाओ, तो आई हूँ मैंने जिसको दिया है आई हूँ। एक बात बताइए, आप अगर किसी को कर्जा लीजिएगा उसी के पास तो जाइएगा, भैया मेरा कर्जा दे दो, हमने वोट दिया मैं अधिकार से आई हूँ, लेकिन वोट लेते समय हमारे घर पे आए थे, अभी कहाँ गए हैं? आज सुबह से हम बैठे हुए, आम आदमी पार्टी से यहाँ से कोई आए, कौन आया है? सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं, सुबह 8
आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हमने वोट एक मिनट, हमने वोट सोमनाथ भारती जी को दिया था। हमने वोट किसको दिया था? सोमनाथ भारती जी को हमने वोट दिया था। नहीं, पार्टी से तो है ना आम आदमी। हमने उनको नहीं ना दिया था जी। ऐसी आया था कि साईं राम आएगा और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम सबको आना है, पर हम लोग आगे पर साईं राम नहीं आ पाया। अब बताइए, वो झूठे हैं तभी तो नहीं आ पाइए। जब वोट लेना होता, जब सच्चे होते हैं, जब हरेक वादे किए जाते हैं, फिर अब कहाँ गए वो साईं राम? हम ये चाहते हैं अभी एमसी पानी से भीगाए। अच्छा एक बात बताइए, आज हम पानी से भींग गए हैं और अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें को हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? यही तो चाहता है। कौन देखेगा? ये सारी पब्लिक जो भींग गई है, अगर बीमार होगी उसका इलाज कौन करवाएगा? उसके बच्चे अगर मर जाएंगे, अभी तो थोड़ा सा हो जाएगा तो बोलेगा करोना हो गया। अभी जो ये गंदे पानी फेंक रहे हैं तब हमें बीमारियाँ नहीं हो रही है। हम कीड़े मकोड़े हैं, अब वोट लेने के पास वही कीड़े मकोड़े के पास में आप आ जाते हैं। आप सारी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जेंट्स पुलिस आपको कंट्रोल कर रही थी। हाँ, क्यों कर रही थी? लेडीज पुलिस नहीं मार रहा है। अरे तो क्यों करेगी? हम बेटी है ना, इज्जत दिया जा रहा है। इज्जत कहता है ना, औरतों को महिलाओं को इज्जत दिया जा रहा है। तो वो पुलिस वाले हमें ऐसे पकड़ रहे थे, इज्जत दे रहे थे, ऐसे पकड़ रहे थे, इज्जत दे रहे थे, वही हम लोगों की इज्जत बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपने पावर की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर 2024 अगर बोला जा रहा है फिर से बीजेपी भाजपा आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। भिदुड़ी साहब फिर आ जाएंगे? कोई बात नहीं, देखा जाएगा। वोट देने वाले कहां जाएंगे? हम लोग कहां जाएंगे? जब हम लोग रहेंगे नहीं तो वोट कौन देगा? कौन देगा वोट जब घर, जब हम लोग रहेंगे नहीं तो वोट कौन देगा? किससे मांगेंगे? जानवरों से वोट मांगेंगे, गाछ वृक्ष से मांगेंगे, ऑफिस वाले से मांगेंगे? अभी क्या करेंगी? यहाँ आम आदमी पार्टी ऑफिस में बैठी हैं आप लोग। और वो एक बात बताइए, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी धीरे धीरे बचपन से कमा रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, जुग्गियाँ हमने खरीदी है। अच्छा एक बात बताइए, बोलते हैं सरकारी जुग्गियाँ हैं, इन लोग हड़प रखा है, ठीक है ना? अभी इस ऑफिस पे हम घर बना के रह सकते हैं? रहने देगा हमें कोई? क्यों नहीं रहने देगा? आम आदमी पार्टी ऑफिस का है भाई। अच्छा तो एक बात बताइए, वो सरकारी जमीन पे आपको क्या लगता है कि हम लोगों को फ्री में रहने दिया जा रहा होगा? कौन फ्री में रहने दिया गया? आपके साथ राजनीति हो गई, पैसा भी वसूल लिया और अब घर भी छीन। मैं तो ये नहीं, आप लोग जो फ्लैट खरीदते हो ना 20 लाख में, 20 लाख से ज्यादा रकम हम लोगों ने उस जमीन में फंसा रखी है, ठीक ना? 20 लाख से ज्यादा रकम हम लोग उस फ्लैट में फंसा रखे हैं। जब पैसा दिया है उसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? पैसा जो किस्त लेते थे आकर के 10,000, 15,000, 5,000 मंथली के, वो सारे हैं, इकट्ठा पैसा लिया है पुलिस वाले? 50,000 का कोई मायने है? 50,000 नहीं है, 2 लाख रुपया एडवांस दिया है। पहले एडवांस हाथ में थमाओ तब आना जुग्गी बनाने। एडवांस सारा पैसा देने का प्रूफ है आप लोग? है। अब वो 2 लाख रुपया जब एडवांस दिया है तो वो नहीं लिखा गया है, उसके बाद और जो बचा है, जब 5 लाख की जमीन है तो 3 लाख रुपया हम किस्ती में देंगे 10,000 का महीना, चाहे हम खाएं या ना खाएं, चाहे अपने बच्चों को दूसरे कन से मांग करके ला करके खिलाएंगे वो अच्छी है, लेकिन उनको किस्ती देंगे। नहीं दोगे घर में ताला मार देंगे, तुम लोग किस्त नहीं दे रहे, घर खाली करो। उसके डर से भी हम लोगों ने दिया। अब एक बात बताओ, अब हम लोग कहाँ जाएं? किसके दरवाजे जाएं? हम सरकार के दरवाजे? ये देखिए सारे सबूत है, ये देखिए सारे लोग हैं, सारे लोगों को वहाँ का आधार कार्ड है। अब एक बात बताइए, ये नाम है सबके नाम है, ये सारे का वहाँ का आधार कार्ड है। एक बात बताइए, जब आपको आना ही नहीं था, वहाँ का प्रूफ नहीं था, आपने वोट लेने के लिए कैसे आ गए थे? जब हटाने के लिए था, वोट क्यों लेने आए थे? वोट जब लेने आए थे तब तो हम अधिकार से आए हैं यहाँ पे। जब हम अधिकार से आए हैं तो आप हमारे कंधे में कंधे मिला के खड़ा क्यों नहीं हो रहे? हम ये चाहते हैं। अभी क्या करेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी ऑफिस में? आप अंदर खड़ी हुई है, क्या करेंगे अभी? आज मैम हमारा काम है, नहीं होगा हम जगह जगह पे धरना बैठा देंगे, झुग्गियाँ नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे, एक बन जाएंगे, बेशक हम लोगों को मार दिया जाए, नहीं तोड़ने देंगे। एक रुपया कमा करके लगाए हैं। पावरफुल है वो लोग, पावरफुल है, आप लोग लड़ पाएंगे? क्यों नहीं लड़ पाएंगे? पावरफुल बनाया किसने? अपने आप बन गए थे, आज हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है पावरफुल? हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हमें क्यों नहीं बना? हमने ही उन्हें पावरफुल बनाया है, अपने आप तो बने नहीं है। अब वो जान दे देंगे तो उनको क्या लगता है? आपको लगता है आप सत्ता से लड़ पाएंगी इतना? मैम एक बात सारी महिलाएं हैं जो आज आप लोगों
लोगों के साथ हुआ है फिर घटेगा इसी तरीके से, तो आप क्या कीजिए? फिर लड़ेंगे मैम, हार नहीं मत है आप लोग, हमारे हक की लड़ाई है। लोग कहता है ना नारी शक्ति, आप दिखाएंगे नारी शक्ति के क्या होता है। अगर हम रूप धारण कर ले, एक बात बताए, अगर हम चाहते ना तो हम भी पुलिस वाले को मार सकते हैं, इतनी नहीं है, कमजोर है, लेकिन आप महिला है, आप में शक्ति है। मोदी महान है। अच्छा तो मोदी महान है, तो अपने परिवार को क्यों नहीं संभाल लिया था, क्यों छोड़ दिया था अपनी बेटी और बहू को? उसी तरीके से हम लोगों को रोड पे रखा। मोदी जी को तो विष्णु का अवतार बताया जा रहा, भगवान है। अच्छा मोदी, एक बात बताइए, नारी भी झांसी की रानी, एक बात बताओ, बोलना नहीं चाहती हूँ, गंदे लैंग्वेज का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ मैं, ठीक है ना? जैसा है सब एक है, सब एक है, केजरीवाल एक है, हाँ सब नेता एक ही जैसा ही है। नहीं, केजरीवाल जी से हमें उम्मीद थी, इसलिए हम लोग आए हैं, उम्मीद थी ही और अभी भी है। जब वहाँ से जब हमने वोट दिया उनको, तबे तो उन्होंने हाथ उठा लिया कि तुमने जिसको वोट दिया उसको बोलो वो आकर बचाए तुझे, हमें नहीं दिया हम नहीं बचाएंगे। मैम यही तो हम भी देखना चाहते हैं, जब वोट लेने आ जाता है तो इसी गरीब के पैर छूते हैं, अभी उन गरीबों के साथ में खड़ा होने में शर्म आ रही है, क्योंकि वो बड़े नेताजी बन गए ना, इसीलिए। मोदी जी योगी भी तो आपके आप लोगों के साथ कर्मचारियों के साथ पैर धुल के आपके खाना खाते हैं, वो दिखावा है, सो है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाँ। अब आप ही लोग हैं, आप लोग भी नमक मिर्च मसाला लगा करके आप लोग छाप दीजिए। कितना पढ़ी लिखी है आप? मैं जीरो हूँ, अंगूठा छाप हूँ। कितना बढ़िया बोल ले रही है मैम, क्या बना देंगे ये लोग? मैम क्या किया जाएगा, मजबूरी। जब एक बात बताऊं, जब किसी के घर में जब गुंडा घुस जाता है ना, तो चाहे मारो या मारो, मेरा दो असूल है, चाहे मरेंगे या मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम तो ये कहते हैं, जब कहां गई थी सरकार, अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने 20,000 रुपए बिजली का बिल जमा करा है, MCD वालों को जब शर्म नहीं आई जब हमसे 20,000 रुपए लिए, और 15 दिन बाद ही आप लोगों ने नोटिस भेज दिया, क्या पैसे खाने के लिए थे आप लोग? ये बताओ कहीं से भी हम लोगों गरीब को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे आप लोग? भैया हमारे घर दे दो, हम साफ कहना चाह रहे हैं, राजी बाजी से दे दो, और क्या करेंगे? नहीं देंगे तो, नहीं देंगे तो भैया अनशन करेंगे, अब तो अब भूख हड़ताल करेंगे, चार कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, चार दिन भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम। अब कितने लोग तमाम लोग धरना करते हैं, अनशन करते हैं, हम लोगों ने खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पिया है, बस चाय बिस्कुट चाय पी, हमारे घर में खाना नहीं बना है, बच्चों को बुखार हो गया है, दवाई दिला रहे और आ रहे हैं, आज भी 105 बुखार था मेरी लड़की को, फिर भी आए, पानी का टैंकर छोड़ दिया है, कल लाठी बच जाए, बस बस बचे, मार दे हमें, मार देंगे हम, यही रहेंगे, मार दे हमें, इससे अच्छा हमें जहर दे दे, जो नोटिस दिया ना नोटिस की जगह हमें जहर दे दे, हम अपने बच्चों को खिलाएंगे और वहीं रह जाएंगे, जो कि हम गांव का भी बेच बेच के यहाँ पे लिए हैं, ये भी नहीं है कि चलो गांव में भी नहीं, हम गांव की जमीनें बेचाया, छोटे छोटे बच्चों के पेपर एग्जाम चालू हो गए, ठंड का मौसम है, कहाँ जाएंगे, 10 दिन का टाइम है हमारे पास, 10 दिन भी रहते वहाँ पर। हाँ, तो गलगवा नाम है आपका? लक्ष्मण नाम है मैम मेरा। हाँ जी, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को ही बर्बाद कर, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है मैम, हिंदू और मुसलमान का नहीं है, हिंदू की सरकार बोला जाता है, बोला जाता है हिंदू राष्ट्र बन रहा है, नहीं के लिए वो आम पब्लिकों को भड़काने के लिए बोला जाता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव भी वही लोग करते हैं जो लोग भड़काने का काम करते हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम हटा दी जाएंगी बस्तियां, और उन्हें हटा दिया बराबर है, उन्हें यही किया, गरीबों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, कहीं नहीं है ना मकान, ना कोई प्रूफ है, वो कुछ नहीं दे रहे हमें, ना मुआवजा ना जमीन, और जहाँ हम बसे हुए क्यों चाहिए, हम है? रहे हैं, वहीं जहाँ रह रहे हैं वहीं करें, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं ऐसे ही हमारा ठीक है, लेकिन हमारे चलिए ये तमाम लोग जो हैं तुगलकाबाद से आए हैं, आपने देखा है इनकी किस तरीके की मांगे हैं, डिमांड है, ये तमाम लोग अपने आशियाने छिन जाने और छत छिन जाने के लिए यहाँ परेशान घूम रहे हैं, जिस सरकार को इन्होंने वोट दिया था उस सरकार से इनकी मांग है, लेकिन आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती जी ही दिखाई दिए, तमाम नेता कहाँ चले जाते हैं जब वोट लेने इनके घरों पर जाते हैं, इनके पैरों में पड़ जाते हैं, तमाम लोग जब कहाँ चले जाते हैं वो राजनेता, जब इनकी गद्दियों पर बिठाने वाले ये ही गरीब लोग होते हैं, और आज ये तमाम लोग अपने आशियाने की मांग और डिमांड कर रहे हैं, आज यहाँ पर ये लोग आए थे तो तमाम लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सोचिए, एक फोर्स छोड़ दी जाती है, वो भी जेंट्स फोर्स, आप ये देखिए, और इनके ऊपर भरी ठंड में, जनवरी की भरी ठंड में पानी की बौछारें की जाती हैं, तो क्या ये गरीब लोग कीड़े मकोड़े के समान हैं? क्या ये नेता लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं? जब इनके मकान बन रहे थे या थे वहाँ पर, तो इनसे
पैसा वसूला गया था, 2-2 लाख तक रुपए लिए गए हैं। तो ये क्या कुछ खेल चल रहा है प्रशासन के सामने और नाक के नीचे, ये तमाम लोग जान रहे हैं। तो आप भी देखिए किस तरीके का खेल रचा जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, आम आदमी पार्टी ऑफिस दिल्ली।